जहां तक जहेज का ताल्लुक है, मेरे नजदीक इस्लाम में कतअन जहेज का कोई तस्वुर है ही नहीं। और आपने हजरत फातिमा का जो मामला बयान किया वो भी आपने सही पूरा बयान नहीं किया है। असल में वो मेहर की रकम थी कि जो जरा अपनी बेचकर या गिरवी रखकर, हुजूर ने कहा था या गिरवी रखो या बेचो, लेकिन मेहर तो देना होगा। हुजूर ने अपनी तरफ से एक पैसे की कोई शय नहीं दी है। वो तो ये है कि जब आपने पूछा कि अली तुम्हारे पास मेहर देने के लिए कुछ है, उनका मेरे पास तो कुछ नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो तो फुकराए सहाबा में से थे, दरवेश सहाबा। तो हुजूर ने फरमाया कि मेहर तो देना है, तुम्हारे पास वो एक जरा होती थी। तो अर्ज किया यहाँ जरा तो है। अब हजरत अली ने यह समझा कि जरा तो जिहाद के लिए, कताल के लिए है, ये कोई दौलत तो नहीं है। लेकिन आपने फरमाया जाओ उसको बेचो या गिरवी रख कर कर्ज लो, तो मेहर तो देना होगा। वो गए हैं, उन्होंने अपनी जरा बाजार में जाके आवाज लगा दी, ये बराए फरोख्त है, हजरत उस्मान ने खरीद ली रजी अल्लाह तआला अन्हु। वो 300 दिरहम में या 30 अशरफियों में, ये मुख्तलिफ फिगर्स हैं, वो लाकर हुजूर के सामने रख दिए। उसमें से हुजूर ने कुछ जो है अंदर भेजा कि दुल्हन की तैयारी के लिए कोई खुशबू वगैरह, ये वो चीज़ें, और कुछ से वो सामान तैयार कर दिया कि जो उनके घर के अंदर तो ज़रूरत थी लाजमी। बस वो उसी में से मेहर की रकम में से, वो मेहर जाहिर बात है कि हजरत फातिमा की मिल्कियत था ना, और हजरत फातिमा की वली की हैसियत से उसको इस्तेमाल करने का हुजूर ने किया, अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं किया, हजरत फातिमा ही के घर के अंदर वो चीज़ें फराम कर दी। अपने पास से कोई एक पैसे की चीज़ भी हुजूर ने नहीं दी। तो मेहर का तस्वुर इस्लाम में तो सिरे से इसका जहेज का तस्वुर है ही नहीं। अलबत्ता ये लानत ऐसी है कि इसका ख़त्म होना बहुत मुश्किल है। लिहाजा मैंने जो तहरीक शुरू की थी आज से तिहाई सदी कबल, सन 73 की बात कर रहा हूँ, 35 बरस हो गए, तो उसमें मैंने यही रखा था कि नंबर एक तो ये कि निकाह मस्जिद में हो, नंबर दो ये कि निकाह के मौके पर लड़की वालों की तरफ से कोई दावत ना हो, और ये कि बारात का तस्वुर खुद ब खुद ख़त्म हो गया। लेकिन ये कि जहेज का मामला अव्वल तो ये कि अल्लाह हिम्मत दे तो बिल्कुल ख़त्म किया जाए, वरना कम से कम ये किया जाए कि उसकी कोई नुमाइश ना हो, दिखाया ना जाए। ये भी हो सकता है चंद दिन पहले कुछ चीज़ें जो भेज दी जाएँ, ये भी हो सकता है कि वो निकाह के चंद दिन बाद के कुछ चीज़ें दे दी जाएँ, वगैरह वगैरह। इसलिए कि इसकी जड़ बिल्कुल काटना जो है वो नामुमकिन में से है। लेकिन बहरहाल इस्लाम में जहेज का कोई तसव्वुर नहीं है, ये हिंदुआना तसव्वुर है। और हिंदुओं के यहाँ ये इसलिए है कि हिंदुओं के यहाँ लड़की का कोई हिस्सा विरासत में नहीं है, माँ बाप की विरासत में लड़की का कोई हिस्सा नहीं है। तो वो ये करते हैं कि जब लड़की को घर से रुख्सत कर रहे हैं तो कुछ दे दिला के रुख्सत कर दें, दान दहेज जिसे वो कहते हैं, गोया कि खैरात है, ये लड़की का हक तो है ही नहीं, ये तो दर हकीकत एक खैरात है जो दी जा रही है। तो ये तसव्वुर उनका है, लेकिन हमारी हड्डियों के अंदर वो यूँ समझिए कि वो दाखिल हुआ हुआ है। इस पहलू से उसमें हमने तहरीक के अंदर ये बात रखी, लेकिन ये कि बहरहाल उसकी वजाहत मैंने आपसे कर दी। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है, सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकअल्लाह।